लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा शुक्रवार को नहाए खाए के साथ शुरू होगा, लेकिन इससे पहले ही बिहार की राजधानी पटना में गंगा घाट पर एक अद्भुत नजारा देखने को मिला है। यहाँ अमेठी यूनिवर्सिटी के कलाकारों और छात्रों ने गंगा नदी के तट पर विशाल और अनूठी पेंटिंग बनाई है। इस पेंटिंग का मकसद पूरी दुनिया में इस त्योहार का संदेश फैलाना है। बता दें कि ये पेंटिंग 21 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी है। पेंटिंग बनाने वाले छात्रों में शामिल अंकिता ने बताया कि उन्होंने इसे सूती कपड़े और प्रमाणिक रंगों से बनाया है। इसमें स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा गया है। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो ना, ये छठ पूजा के ऊपर बनी हुई है। इसमें दो मेजर कैरेक्टर्स हैं, द्रौपदी और माता सीता, जिन्होंने शुरुआत की थी छठ की, और उन्होंने अहमियत बताया था कि क्या आप उसको अपने जीवन में कैसे आप अपना सकते हो और एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हो, और उनकी ममता भी पूरी हुई थी, इसीलिए उन्होंने दर्शाया था उसको। दूसरी चीज़ कि ये जो पेंटिंग बनी हुई है बिल्कुल ऑथेंटिक कलर से बनी हुई है। हमने हल्दी का इस्तेमाल किया है इसमें, गेहूं जो हम सुखाते हैं उससे हमने इस पर टेक्सचर निकाला है, और बाकी फैब्रिक पेंट से बनी हुई है। और ये कपड़े पे कॉटन के कपड़े पे, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब पावन माना जाता है, उस पर बना हुआ है। पूरी इंडियन चीज़ों को, कल्चरल जो हमारे रिचुअल्स होते हैं छठ में, जैसे हम लोग कुल्हड़ का बर्तन यूज़ किया है पेंट को मिलाने के लिए, और सारी मतलब पूरे पावन तरीके से ये पेंटिंग बनी हुई, बिना मांस मच्छी खाए सब लोग डेली आ करके, मतलब इसमें पैर भी नहीं लगता था लोगों का, बिल्कुल वैसे उस तरीके से बना हुआ है ये। और ये हम लोग नए जनरेशन के साथ मिलके बना रहे हैं, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि छठ सेलिब्रेट करना इज़ नॉट कि आप सिर्फ ओल्ड जो हैं, जो मम्मी पापा हैं या दादा दादी वही मनाते हैं, नए जनरेशन भी अपना कैसे कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैंने पेंटिंग के थ्रू अपने कल्चर को दर्शाया है। पेंटिंग में बिहार का मैप भी बना हुआ है। इसे बनाने का मकसद छठ की अहमियत को बताना है। छात्रा शालिनी ने बताया कि अब तक छठ को लेकर कोई विश्व रिकॉर्ड नहीं था, हम बिहार की कला और संस्कृति के प्रसार के लिए ये कदम उठा रहे हैं। तो छठ का बात होता है तो हम लोगों ने सोचा कि हम छठ पे क्यों ना कुछ करें, तो दिमाग में आया कि रिकॉर्ड सेट करते हैं। जब रिकॉर्ड वालों से बात हुई तो बहुत चौंका देने वाली बात है, इनफैक्ट आप लोगों को भी थोड़ा अजीब लगेगा। उन लोगों ने कहा कि छठ के ऊपर एज सच कोई रिकॉर्ड ही नहीं बना है, तो आप रिकॉर्ड ब्रेक क्या करिएगा। हम लोगों की तैयारी थी कि हम लोग रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे, लेकिन फॉर्चुनेटली हम लोग रिकॉर्ड सेटर्स हैं और हमने रिकॉर्ड सेट किया है, क्योंकि एज सच पहले छठ महापर्व, जिसको हम महापर्व लोक आस्था का महापर्व कहते हैं, इसके ऊपर एज सच कोई रिकॉर्ड ही नहीं बना था। तो हमने जब बात की उनसे वो भी काफ़ी खुश हुए, और एक चीज़ आई थी, एक लाइन आई थी जब हमारी टीम भी उनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा था कि बिहार से हैं आप लोग और बिहार से ये आर्ट वर्क डिस्प्ले होगा और बिहार में होगा। तो वो एक काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप से जो हमेशा बिहार के आर्टिस्ट, बिहार के कलाकारों के साथ जुड़ा हुआ आया है, पर वही है कि हम लोगों का मोटिव यही है कि हम स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करें और बिहार के आर्ट एंड कल्चर को हम आगे लेके चलें। वही अमेठी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर वी पांडे ने बताया कि हम चाहते हैं कि इस त्यौहार का संदेश दुनिया तक पहुँचे। इस पेंटिंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को भेजा जाएगा ताकि पूरी दुनिया इसे देख सकेगी। कि स्वच्छता सबसे बड़ी चीज़ है और हमें हर एक चीज़ में स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बिहार का ये पायस फेस्टिवल जो बहुत सारी अच्छाइयों को लोगों तक फैलाता है, उसको यहाँ इस पेंटिंग के द्वारा दर्शाने का एक छोटा सा प्रयास है कि ये जब वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हम इसे सबमिट कर रहे होंगे, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड होगा, तो शायद उसके बाद हर एक नागरिक पूरे विश्व का इसे देख पा रहा होगा, छठ फेस्टिवल के बारे में और भी जान पा रहा होगा। हालांकि ये फेस्टिवल पहले से ही दुनिया के कोने कोने में सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, उस जानकारी में हमारी तरफ से एक थोड़ा सा और योगदान, इसकी ये एक प्रयास है। आपको बता दें, छठ सूर्य उपासना और छठी माता की उपासना का पर्व है। हिंदू आस्था का ये एक ऐसा पर्व है जिसमें मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। इस पूजा में छठी मैया के लिए व्रत रखा जाता है। ये व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।